बनेगा करोड़पति सीजन 11 के दूसरे एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने बैठे कंटेस्टेंट विवेक भगत से कुछ मजेदार और नए सवाल पूछे। इन मजेदार सवालों में से एक सवाल ये भी था कि मल्टीप्लेयर गेम पबजी का फुल फॉर्म क्या है। कंटेस्टेंट विवेक इस सवाल पर काफी कंफ्यूज होते नजर आए। बाद में उन्होंने कुछ देर बाद सोचने पे अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करने का फैसला किया। विवेक ने मदद के लिए अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया, जिसके बाद तकरीबन 62% जनता ने पबजी की फुल फॉर्म प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड चुनी। विवेक ने जनता के साथ जाने का फैसला किया और उनका जवाब सही निकला। विवेक शो पर अच्छा खेले, लेकिन दो सवालों के दौरान उन्होंने काफी लेट जवाब दिया। काउंटडाउन लगभग खत्म ही होने वाला था तब विवेक ने फैसला लिया। विवेक शो से बहुत ज्यादा धनराशि नहीं जीत सके और एक सवाल का गलत जवाब देने के बाद वे वापस 10,000 वाले पड़ाव पर आ गिरे। विवेक शो से महज 10,000 रुपए की धनराशि जीत कर घर आए। विवेक जलंधर में रहने वाले GST इंस्पेक्टर हैं और कर्नाटक के बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। इस तरह उदयपुर की सरोज से 12,50,000 रुपए जीतने के लिए एक सवाल किया गया, जिसे सरोज ने छोड़ दिया और खेल से बाहर हो गई। वह सवाल था कि हुंकार और उर्वशी हिंदी काव्यों के रचनाकार कौन है। इसका जवाब सरोज नहीं दे पाई और उन्हें 6,40,000 ही संतोष करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए असल एंटरटेनमेंट।